संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में पखावज वादन प्रस्तुत कर रहे हैं देश के अति प्रतिष्ठित पखावज वादक दरभंगा घराने के पंडित डॉक्टर अनिल चौधरी, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत विरासत में मिला। आपके नाना स्वर्गीय पंडित यमुना प्रसाद चौधरी अपने समय के अत्यंत प्रसिद्ध और पारंगत पखावज गुरु थे। उनके मार्गदर्शन में आपने 25 वर्षों तक पखावज वादन का अभ्यास कार्य किया। उनकी मृत्यु के बाद आपने दरभंगा घराने के स्वर्गीय पंडित रामाशीष पाठक के सानिध्य में 15 वर्षों तक पखावज सीखा। आपने ध्रुपद गायकी और अन्य भारतीय शास्त्रीय कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ध्रुपदम नामक संस्था की स्थापना की है। आप एक सफल नेत्र विशेषज्ञ भी हैं और दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में 25 वर्षों तक सेवा कार्य कर चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी, आप दरभंगा घराने से हैं जी। हमें बताएं कि क्या विशेषता है दरभंगा घराने के पखावज वादन की और ये अन्य घरानों के पखावज वादन से कैसे भिन्न है? भिन्नता की बात तो मैं नहीं करूंगा जी। लेकिन दरभंगा घराने की जो खास बात है, जो मौलिक उसका वादन जो है दरभंगा घराने के, उसमें परम प्रधान वाद्य है ये जी। तो परम खास करके खासा पखावज यानी परम का समावेश अपने वादन में ज्यादा रखना, वो थोड़ी सी विशेषता दरभंगा घराने की है। इसके अलावा माधुर्य या ओजपूर्ण, ये दोनों का मिश्रण दरभंगा घराने में है। पखावज यानी मृदंग, ये हमारे वैदिक शास्त्र का और हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। आपके विचार से क्या ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी इसको सीखने के लिए प्रेरित हो और इसकी लोकप्रियता को बनाए रखा जा सके? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शास्त्रों में जो उदाहरण आता है साजों का, प्राचीनतम साजों का, उसमें वीणा जो सरस्वती के हाथ में है, बांसुरी जो कृष्ण के हाथ में है, डमरू शिव के हाथ में है और पखावज यानी मृदंग। तो डमरू तो प्रायः अब लुप्त ही हो गया क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में तो अब है नहीं। और पखावज की बात जहाँ तक है तो प्राचीनतम साज जो है वाद्य यंत्र, ताल यंत्र, वो पखावज है। और इसी से सारे बात, तबला हो, नकारा हो, ढोलक हो या कोई भी रिदम साज जो है वो पखावज से ही निकला है। अब जहाँ तक बात आपने पूछी कि इसकी लोकप्रियता कम क्यों हो रही है, तो अभी इस दरमियान जो 10 सालों में मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी आश्वान्वित हूँ कि पखावज और ध्रुपद की लोकप्रियता अब कम नहीं है। अब धीरे धीरे ये फिर से उसी ओज पर जा रहा है जिस पे ये था। तो पखावज काफ़ी बच्चे बजा रहे हैं और अच्छा बजा रहे हैं, तो पखावज की लोकप्रियता अब नहीं कहा जा सकता है कि कम हुई है, अब थोड़ी बढ़ रही है। पंडित जी, आप एक सफल नेत्र विशेषज्ञ भी हैं, MBBS किया है आपने, ये दो अलग अलग क्षेत्र संगीत और डॉक्टरी, कैसे आपने सामंजस्य स्थापित किया इन दोनों के बीच में? ये प्रभु की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। अपने घर में पखावज था, मेरे नाना स्वर्गीय पंडित यमुना प्रसाद चौधरी जी, बचपन में मैं उन्हें जब बच्चा था तो उनको देखता था और उन्होंने ही सिखाना शुरू किया और वो हमारे खून में था, पखावज था। और बाद में जब मैंने पढ़ाई की तो इसका सामंजस्य थोड़ा सा कठिन जरूर हुआ, लेकिन गुरुओं की कृपा और होता गया। टुडे वी आर प्रेजेंटिंग पखावज रिसाइटल बाय पंडित डॉक्टर अनिल चौधरी, अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड रिनाउंड पखावज प्लेयर ऑफ दरभंगा घराना विद अ पावरफुल बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक। हिज मैटरनल ग्रैंडफादर एंड गुरु लेट पंडित यमुना प्रसाद चौधरी वॉज अ फेमस एंड एक्सट्रीमली लर्निंग पखावज गुरु ऑफ हिस टाइम। पंडित अनिल चौधरी लर्न पखावज फ्रॉम हिम सिंस चाइल्डहुड फॉर 25 ईयर्स।
After the demise of his guru, he continued to learn Pakhavaj under the guidance of late Pandit Ramashish Pathak of Darbhanga Gharana for 15 years. He has performed in India and abroad as accompanist as well as a solo artist. He received Sangeet Shri and Gyan Peeth Kalakar Awards and was felicitated by the Honorable President of India in 2016. He was also felicitated in Pakhavaj Parv and Dhrupad Sammelan. To preserve and promote the Dhrupad style of Gayaki and the instruments like Pakhavaj and Veena, he has established an institution named Dhrupadam. Apart from being a successful musician, he is also an eye surgeon and has served in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital of Delhi for 25 years. Today he is presenting Taal Chautal. So let's enjoy the presentation. Pakhavaj recital, today's artist, Pandit Dr. Anil Chaudhary.